सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की दोस्ती कैसे प्यार में बदली, कैसे सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा एक दूसरे के करीब हुए और फिर कैसे दोनों की बात शादी तक जा पहुंची। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की मुलाकात एक पार्टी में हुई, फिर सलमान खान ने सोनाक्षी सिन्हा को फिल्म में काम करने की ऑफ़र की। इस वक्त सोनाक्षी सिन्हा का वेट काफ़ी ज़्यादा था, फिर सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी फिटनेस पर खूब तवज्जो दी और ख़ुद को काफ़ी स्मार्ट कर लिया और सलमान खान के साथ फिल्म में काम करने की हामी भी भर ली। सलमान खान ने सोनाक्षी सिन्हा को अपनी फिल्म दबंग में कास्ट कर लिया। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी अदाकारी के खूब जौहर दिखाए और दर्शकों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गई। तब से सोनाक्षी सिन्हा की लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने इस फिल्म से बहुत ज़्यादा इज्जत कमाई और लोगों ने सोनाक्षी सिन्हा को खूब दाद दी। खबरें हैं कि इसी फिल्म में सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा के दरमियान नज़दीकियाँ काफ़ी हद तक बढ़ गईं और सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा को पसंद करने लगे, जबकि दूसरी तरफ सोनाक्षी सिन्हा भी सलमान खान को पसंद करने लगी। यूँ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब इस बात का पता सलमान खान के पिता सलीम खान को हुआ तो सलीम खान ने सलमान खान से साफ साफ कहा कि सोनाक्षी सिन्हा हिंदू मज़हब से है और हम मुस्लिम हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ। मगर सलमान खान ने अपने पिता सलीम खान को बताया कि वो सोनाक्षी सिन्हा को पहले मुसलमान करेंगे फिर इनके साथ शादी करेंगे, जिस पे सलीम खान मान गए। फिर सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने सलीम खान से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें, जिस पे सलीम खान ने हाँ कर दी। यूँ सलमान खान ने और सोनाक्षी सिन्हा ने शादी कर ली और दोनों की शादी कन्फर्म हो गई और वो आज हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। तो फ्रेंड्स, आप सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।